कर लो मेरे भाई, कर लो बोलो मेरे भाई, यार गरीबन पर रहम करो यार मेरे भाई, कर ले यार भाई मेरे बड़े भैया, ऐसे वीडियो ना यार बनाते, देख भाई यार मेहनत करते हैं, देख भाई हमारा के लिए भैया यार बड़े भाई, इंसानियत यही कहा थी यार, गरीब आदमी का ध्यान दिया है आपको, सिर्फ ऐसे करना है, आँख मान के स्थापन है, आप आँख मार दिनों समझो लाइक कीजिए, और एक फॉलो कर दो भैया, बस ज़्यादा नहीं, एक फॉलो कर दो या लाइक कर दो या शेयर कर दो, जो भी इच्छा हो आपकी, क्योंकि आप फिर कह नहीं सकते, लेकिन ये कहेंगे कि आप लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया, उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट किया, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे, ये गरीब बड़े भैया कहीं ना कहीं कुटिया की जगह पा जाएगा, अभी की सड़क पे है, इसको कुटिया की जगह कहीं आप दे दो, झोपड़ी बनाने का मौका आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में जब हमने देखा आप लोगों में प्यार है, और वो आपने प्यार दिखाया कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, चलिए बहुत बड़ी बात है भैया कि आपने इस अनपढ़ के लिए, एक हम जाहिल गंवार, क्योंकि हम बड़े भैया पढ़े नहीं हैं, पहले आपको बता दें कि हम पढ़े ही पढ़े क्या भैया, जिस उम्र में हमको कोई ऐसा पढ़ाई करनी थी उस उम्र में अगर कोई जिम्मेदारी संभालेगा तो कहाँ उसे पढ़ पाएगा, आप बताइए, नहीं पढ़ सकता ना, तो बड़े भैया मजबूरियाँ हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं लेकिन मजबूरियाँ मेरी रहेंगी, आप हमारी मजबूरी को समझें बड़े भैया, उस मजबूरी को समझें मेरे भैया, इस वजह से नहीं पढ़ पाया मेरे भैया, वो कोई बात नहीं, हम और कोई बात सोचते होंगे कि पढ़ा लिखा नहीं इतना इतना मतलब शरीर होते भी हम नहीं पढ़ पाए भैया, मजबूरी आ रही भैया, घर में मानोगे नहीं कोई नहीं था, ऐसे हालात थे कि खाने के लिए लाने पड़े थे, आप कहाँ से पढ़ पाएंगे, जिसके यहाँ बस्ता लाने की भी औकात ना हो वो स्कूल क्या जा सकता है, आप बताइए, गरीब आदमी हम, कोई मजबूरी नहीं है मेरी, बहुत सारी मजबूरियाँ रही हैं जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाए, वरना हमें कोई दिया वो नहीं था, पढ़ने के बहुत शौकी थे, लेकिन हालात हालात कहते नहीं हर इंसान को कमज़ोर कर देता मेरे भैया, हालात वो होते हैं, तो बड़े भैया किसी के भी हालात पे कभी हंसना नहीं, किसी गरीब को कभी दुखी मत देखना, जो भी आपसे हो सके तो बड़े भैया सहायता ज़रूर करना, क्योंकि बड़े भाई हम भी देखो अपने, हम खाना लाते हैं बड़े भाई भूखे रह जाते हैं, कभी कभी हम भूखे रह जाते भैया, लेकिन अपने मुँह का निवाला उसको दे देते हैं, क्योंकि बड़े भैया उसके खाने से कोई हम लोग तो भूखे रह नहीं जाएंगे, अरे थोड़ी देर भूखे रहेंगे हम लोग तो जाके ले लेंगे, लेकिन उसकी मजबूरी पूछो वो बड़े भैया कैसे रहता है, बड़े भैया हर इंसान की मजबूरी होती है, उसी मजबूरी को समझते हुए, और जो आपने साहस हम पे दिखाया मेरे भाई, जो हम पे आपने जो साहस दिखाया है उसके लिए बहुत आपका एहसान है हम पर, हम सभी सबसे पहले हम यूट्यूबर भैया को कहते हैं, जिन भैया ने यूट्यूबर बना यूट्यूब चलाया है, सबसे बड़ा एहसान तो उनका है कि आज हजारों बहन, करोड़ों पिता और लाखों माताएं, बड़े भैया लोग, सभी लोग आज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और उसका फल आप दे भी रहे हैं और उनका खुशहाल है, और उसी की लालसा से बड़े भैया हम भी लगे हैं, कहते नहीं सहारा हो तो जीवन संवर जाता है, आपके सहारे से हम भी बड़े भैया चल रहे हैं, साहित मालिक कहीं किनारा मिल जाए बड़े भैया, उसी सहारे से हम बड़े भैया लगे हैं, अब आप लोग चाहेंगे तो बड़े भैया कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, देखिए एक इसमें कितनी निकली इतनी सी, अभी एक और पौधा है, आइए ब्लॉक में हम आपको दिखाते हैं, एक और पौधा है जिसमें लगी है काफ़ी सारी फली और हम आपको दिखाते हैं, मेहनत भैया बहुत करते हैं, अगर मेहनत ना करते तो आज ये कामयाबी ना आ सकता थे, देखिए अनपढ़ ये बड़े भैया अनपढ़ की मेहनत, देख लीजिए अनपढ़ की मेहनत ये है भैया, अनपढ़ की मेहनत बड़े भैया समझ लीजिए, बड़े भैया गरीबों की मदद करना सीखें, गरीबों को सहारा दें, क्योंकि बड़े भाई हम मानोगे नहीं सूखी रोटी खाने वाले हों, आज भी हम सूखी रोटी, हमारे पास इतना नहीं है जितना आप सोचते हैं, हमारे वहाँ रोज़ कमाना रोज़ खाना बड़े भैया, मैं हिंदुस्तान कानपुर इंडिया से गंगा बैराज मैगी पॉइंट, हमारा तो भैया घर भी कर दिया गंगा भैया ने करा लिया, तो बड़े भैया अपना तो घर भी नहीं है, किराए पर रहते हैं समझ लीजिए, एक तरीके से किराए पर रहते भैया,
ये है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो खुद काम ले नहीं पाएंगे, कम से कम खुद तो कर पाएंगे अपने लिए। तो बड़े भैया जब प्यार सपोर्ट देंगे तभी आगे हो पाएगा। वैसे बड़े भैया क्या, वरना भैया टूट जाएंगे ऐसे, क्योंकि गरीबी बड़े भैया बहुत मुश्किल से, गरीबी का दर्द आप लोग मेरे भाई समझें और हर गरीब को बढ़ाएं। बड़े भैया इंसानियत यही कहती है मेरे भाई, एक दिन हम बड़े भैया आ रहे थे तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, आपको हकीकत बता दें भैया, और हमें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। अब हमने सोचा, हमने कहा हे प्रभु, आज हमारे पास एक पैसे भी नहीं, मेरे भूख लगी मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तब हमने रास्ते में आए, हमको 10 रुपये भैया पड़े मिल गए। देखिए पहले तो 10 रुपये से हमने फिर 2 पार्ले खरीदी, एक एक 5 रुपये की पड़ती हैं, छोटी छोटी थी, फिर उनको खा करके हमने पानी पिया। तब दिनमान जो है भैया, दिनमान मेरा गुजर गया, फिर शाम को एक भैया से कहा, हमने भैया आप चाट खिला दीजिए हमें, हमें भूख लगी है, हम आपको कल पैसे दे देंगे। तो उसने मालूम क्या कहा, भैया हम तो किसी को खिलाने जा रहे थे और आप आ गए तो ये समझूंगा कि मैंने अपने दोस्त को क्या मित्र समझूँ। मैंने उसको बहुत समझाने की प्रयास किया, पैसे देने की कोशिश किया, लेकिन बड़े भैया उसने एक भी नहीं मेरी सुनी, उसने पैसे हमसे नहीं लिए। तो बड़े भैया इंसानियत आज भी है। देखिए ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप किसी के धर्म को बिगाड़ें। देखिए सभी धर्म अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हर मनुष्य अपने धर्म का राजा है, चाहे उसका धर्म छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, धर्म धर्म होता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। तो हर मनुष्य को अपने धर्म से ही लगाव रखना चाहिए, क्योंकि अपने ईश्वर से ही लगाव रखना चाहिए और मोहब्बत सबसे करनी चाहिए, चाहे वो पेड़ हो पौधे हो। पता नहीं किस मोहब्बत से आपको किसका भला हो जाए, या पेड़ का भला हो जाए, या पक्षियों का भला हो जाए। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है बड़े भैया जो सारे जहाँ कर सकते हैं आप, और एक मोहब्बत भी एक ऐसी दौलत है जो जितना खर्चा करेंगे वो उतना बढ़ेगी, क्योंकि ये दौलत कभी बड़े भैया ख़त्म नहीं होती। आपको हम कभी देखा तक नहीं, आपको जानते तक नहीं, आप खाली वीडियो देखें तो आप इससे खुले बताते कि हम जाहिल गंवार, क्योंकि बड़े भैया पढ़े लिखे नहीं ना इस वजह से, तो आप फिर भी हमें लाइक करते हैं। तो इसके लिए बहुत इसमें मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मेरे बजरंग बली आपकी हर वो इच्छा पूरी करें जो आप इसके हकदार हैं। देखिए भैया उन 2 पेड़ों में, देखिए उन 2 पेड़ों में इतनी लुभिया निकली कि जितनी कभी आपने सपने में कल्पना नहीं की होगी। ये देखिए भैया, तो बड़े भैया आप मेहनत करना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, मेहनत करेंगे तो यही रिजल्ट आपको भी मिलेगा, मेहनत करेंगे तो यही फल आपको भी मिलेगा। आप अपने घर में अच्छा सा गमला लीजिए, कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम मोबाइल नंबर, भैया पढ़े लिखे तो है नहीं जो हम आप मैसेज पढ़ पाएँ, हम कोई भी मैसेज नहीं पढ़ पाते भैया। और बाकी अगर कोई भी चीज़ है तो हम मोबाइल नंबर एक देंगे, अगर कोई चीज़ आप जानकारी चाहते हैं। मैं मालिक काम करता हूँ भैया, और मैं कानपुर इंडिया से बड़े भैया मनोहर हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ हमारा यही काम है, तो प्लीज़ हम गरीबों को भैया आगे बढ़ाएँ। जय सीताराम, हर हर महादेव।